सही कर लीजिए। हीमोग्लोबिन ये ठीक होता है ज़्यादा है ये इसके लिए आया था, ब्लड डोनेट करना बहुत ज़रूरी होता है राइट। सातवीं आठवीं बार कर रहा हूँ, प्रोसेस भी है। हीमोग्लोबिन 16.8 कितना होता है नॉर्मल तो बता दो। वैसे 12.5 से 17.5 तक होना चाहिए। 17.5 तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा रन नहीं दे सकता। क्यों प्रॉब्लम होती फिर उसमें? ब्लड ज़्यादा बढ़ता है, अच्छा तो मेरा ज़्यादा है इसका मतलब गाढ़ा तो नहीं है मेरा खून? ठीक है, ज़्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा हीमोग्लोबिन के लिए नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे। इस बार डोनेट किया आपने? हाँ डोनेट दीजिए, पहले ब्लड दिया नहीं 6-7 बार दी। अच्छा तो ये चैरिटेबल है ना, तो मेरे को कभी किसी को ज़रूरत हो गया तो मेरे को मिल जाएगा राइट? इन रिटर्न मुझे ब्लड मिल सकता है, मेरे भी किसी मेंबर को चाहिए होगा राइट? एक साल के अंदर। ठीक है, हाँ वो इट्स ओके। हाँ एक साल के अंदर मेरे किसी को भी जरूरत हो तो ध्यान रख लेना, ओम चैरिटेबल ब्लड आपको, मेरा कुछ अच्छा काम तुम्हारे काम आ सकता है तो तुम भी दे यार, तो यार ब्लड लोगों की हेल्प होती है और आज की डेट में तो बहुत जरूरत है राइट। कोई दिक्कत नहीं? नहीं, ढीला कर सकता हूँ हाथ? हाँ ढीला छोड़ दे, मुझे खोल दे। ये लीजिए बाबा, ये ब्रश कितने रेट? 350 ग्राम देते हैं राइट? 350 लेडीज के लिए होगा। हाँ ठीक है, तो 350। तो अभी मेरा कितना निकालने वाले हो? 450 कम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है 4 निकाल लेना यार, कहाँ से अभी निकालेंगे? हाँ किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ उसको हिलाते रहना चाहिए ना, क्योंकि ब्लड क्लोट नहीं करे राइट? अच्छा बट स्टिल फिर भी इसलिए हिलता रहता है थोड़ा सा। पाँच सात मिनट लगता है यार डोनेट करने में, कुछ नहीं करता और आज की डेट में आपको करना बहुत ज़रूरी हो गया। यू डोंट नो कि यू नेवर नो कि कब किसको रिक्वायरमेंट हो, और चैरिटेबल में तो आपको एक साल के अंदर आपको भी मिल जाता है रिटर्न, अगर किसी फैमिली में किसी को जरूरत हो तो। और
किसी का यूनिक ब्लड ग्रुप हो तो उसको तो ज़्यादा ही करना चाहिए। मेरा ओ पॉजिटिव यूनिक तो नहीं है, पर ओ नेगेटिव यूनिक होता है ना। हाँ, सर्टिफिकेशन वाओ, करता ही रहूँगा क्या। बट हाँ, इसका ये बेनिफिट रहता है कि ओम चैरिटेबल ब्लड सेंटर में अगर मेरे भी किसी भी रिलेटिव वगैरह को ब्लड चाहिए तो उसे एक साल तक ब्लड मिल जाएगा। इसका ये फ़ायदा है, ब्लड डोनेट किया है जस्ट 2 मिनट पहले ही, तो परफेक्ट हेल्दी फील हो रहा है। जस्ट हल्का सा लग रहा है, थोड़ा सा लिक्विड की ज़रूरत है मुझे, बट ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा हूँ और ऐसा लग रहा हो कि यार मैं ब्लड देने से काफ़ी कमज़ोर हो गया। ये जस्ट एक मिथ है, आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, रेगुलरली बेसिस पे कर सकते हैं, हर 3 महीने में कर सकते हो आप ब्लड। किसी को दिक्कत लगती है तो 6 महीने में कर सकते हो, पर ब्लड डोनेट करने से क्या होता है कि लाइक आपका हीमोग्लोबिन मेंटेन रहता है। हीमोग्लोबिन अगर तुम्हारा 7.4 से ज़्यादा हो जाता है तो फिर तुम्हारा गाढ़ा खून हो जाता है, और गाढ़ा खून होने से सबसे बड़ी बात ये होती है कि तुम्हारे ब्लड पंपिंग में दिक्कत आती है और तुम्हारे को हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा कंसिस्टेंसी भी बता रहा हूँ, तो ब्लड की थिकनेस स्मूथ होनी चाहिए कि वो ब्लड पंप होता रहे आपका हार्ट से। तो ये बेनिफिट आपका कहाँ मिल सकता है कि ब्लड को थिक होने से बचाए, वो है आपका डोनेशन। ब्लड डोनेशन के खुद के भी फायदे होते हैं, वही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सब्सक्राइब ट्रैवल विद सावंत।